हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर और देखिए आज घर में हम क्या क्या करते हैं। तो अभी हम निकाल रहे हैं अनियन, आपको दिखाते हैं प्याज कैसा है हमारे खेत का प्याज। तो गाइस बहुत ही ये देख अच्छा सकते है, हो अपने खेत की फसल बहुत ही अच्छी है। ये चाचू है बैठे हुए, ये देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। नक्श कैसा है आपके खेत का अनियन? अनियन कैसा है? अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है ना। हाँ, क्योंकि इनको देख के मुझे लग रहा है कि जब हम सामने देख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि भाई एक प्याज मतलब हो सकता है इतना। मेरे ख्याल से आप देख सकते हो, अगर इतने बड़े बड़े होंगे तो फिर लगेगा ही कि भाई एक ये 700 ग्राम का होगा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि 700 ग्राम ढाई सौ वैसे, ग्राम से ऊपर है। हाँ 300 ग्राम का हो सकता है ना, 300 ग्राम के आसपास हो सकता है एक प्याज। हाँ आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े, कसम से ये वाला तो मुझे कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। ये देख सकते हो आप कितना बड़ा है, मतलब हाथ में भी नहीं आ पाएगा, ये मेरा हाथ छोटा पड़ गया है इसके लिए। आप देख सकते हो ये सारी है दीदी की मेहनत, मेरे को तो ये वहां पर देख खड़े हैं, मेरे को तो इनकी ये मेहनत का बहुत नतीजा बड़ा है। दिख रहा है, कुछ बहुत ही बाहिया खूबसूरत है, आपको दिख ही रहा है, बहुत ही प्यारा है, बड़ा मजा आने वाला है इस साल प्याज खाने का। सच में बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े, ओ माय गॉड, देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं, बहुत ही ज्यादा। तो मम्मी आए सैन से हमारी हेल्प करने, इनको निकालने। तो ऊपर आप देख सकते हो टमाटर भी लग चुके हैं खेत में, और यहाँ पे बीन्स लग चुके हैं, ये बीन्स की लाइनें हैं, निकल भी चुके हैं, दो दो पत्ते आ गए हैं बीन्स में भी। और ये बगीचा है हमारा नीचे, मैरी पोजा वगैरह, सेंटा रोज वगैरह हर चीज लगाई है जापानी। तो गाइज हम वो अनियन खेत से ला चुके हैं और हमने उनको इस तरह से लटका के रखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ से लेके, ये हमारा स्टोर रूम है, हम यहाँ पे सारी चीजें रखते हैं, जो भी हमारी फसल वगैरह होती है तो हम उसे यहाँ पे रखते हैं। तो आप देख सकते हो अभी गार्लिक भी रखा हुआ है, अभी मम्मी बांध रहे हैं उसको भी, तो लहसुन भी रखेंगे हम ऐसे ही लटका के, और प्याज तो हमने लटका के रख दिया है यहाँ पे। इस तरह से प्याज काफ़ी टाइम तक मतलब रहता है, हम इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से ख़राब नहीं होता है। अगर हम इसे तोड़ के रखेंगे, मतलब काट कूट के रखेंगे, तो ये ख़राब हो जाएगा, इस तरह से ख़राब नहीं होगा और लंबे समय तक चलेगा ये। तो वैसे काफ़ी है ये, काफ़ी टाइम यूज़ होगा ये, बहुत ही अच्छा। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि हमें अभी ये लहसुन भी लाने हैं, लहसुन भी ऐसे ही लटका के रखेंगे ताकि वो भी लंबे समय तक चले। तो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जिस टाइम ये मैं आपको ये खुमानी का बगीचा दिखाती हूँ यहाँ पे, अब ये तैयार हो गई है खाने के लायक, आप देख सकते हो कितनी मतलब अच्छी हुई है। ये वाला पेड़ पता नहीं क्यों सूख गया, इसको पता नहीं क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई है इस पेड़ को, बट यहाँ पे बहुत ही सुंदर लगी हुई है खुमानी, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी है। इसके बाद तो मैं स्पेशली इनको ले जाऊंगी खाने के लिए, बहुत ही यम्मी लग रही है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है खुमानी के लगे आ रही हूँ मैं। हाँ तो मैं अभी जा रही हूँ वापस लहसुन को लगाने, तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थ्रेशिंग मशीन लगा चुके हैं हम, तो मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं अभी, थोड़े से गेहूँ है हमारे बहुत ही कम, पर जो भी है निकालने तो पड़ेंगे, मतलब फिनिश कर दिया है अभी। यहाँ पे देख सकते हो आप अभी जौ है, इनको अभी नहीं निकाला है, यहाँ पे अब लोगों के जौ है निकालने रहेंगे, वो आएंगे अब इसके बाद निकालने। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि थोड़े से है तो अपने निकाल देते हम, क्योंकि हम अपना भूसा अंदर डालते ऊपर, तो यहाँ पे अभी जौ रखा हुआ है तो वो पाइप नहीं लगेगी, जो मतलब हम ऊपर मतलब भूसा डालने के लिए अंदर भूसा रखते हैं हम डाल के, तो वो वाली पाइप लगेगी जब हमारी वाली
चावड़ी खाली होगी तो सब जाके वो पाइप चले लगेगी। अभी तो भूखा निकल रहा है, वो सिर्फ ये है लक्ष्मी फिर रुको, लाइट चली गई तो भी ये बंद हो गई है, शायद लाइट चली गई होगी। ये देख सकते हो गाइस, अरे हो गया, निकल जाएगा ये। मुझे तो बहुत डर लगता है इसको देख के। अच्छा तार ही गई थी सब करके, हाँ तुम्हें बता रही थी कि इस साल नो ऐसे हरकतें मत करो, देखो मत नहीं लाओ। तो गाइस इस साल मतलब हमारे गेहूँ बहुत ही कम हुए हैं, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा था अनाज, बहुत ही अच्छा था बट बहुत कम हुए क्योंकि बारिश की वजह से सारी मतलब फसल खराब हो गई। तो उस करके चलो जितने भी है ठीक ही है, अपने खेत की है जैसी भी है। तो चलिए मेरे हस्बैंड को रही कि हम धनिया निकालते हैं, तो मैं देखती हूँ धनिया कहीं हवा में उड़ के मतलब उसे ना चले जाए वो। चलो ट्राई करते हैं हम कैसे निकलती है धनिया इसमें। तो गाइस शायद ही किसी ने मतलब धनिया थ्रेशिंग मशीन में निकाला होगा, ये हमारे एक्सपर्ट है तीनों ने निकाला, देख सकते हो आप, ये देख सकते आप धनिया, धनिया कितना बहुत ही अच्छा धनिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो आप देख सकते हो ये हमारे एक्सपर्ट है जो धनिया मतलब इसमें थ्रेशिंग में निकाल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है मतलब मशीन भी बहुत ही अच्छे से साथ दे रही है। तो हमने यहाँ पे तरपाल बिछा दिया, हमने सोचा कि शायद ये मतलब भूसे में बाहर निकले धनिया, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं निकला, यहाँ देख सकते हो आप पूरी डस्ट ही डस्ट है, पर यहाँ पे कुछ नहीं निकला और सारा धनिया निकला। तो जो ये है भूसा निकालने वाला, हम इसको थोड़ा बंद करेंगे तभी धनिया नीचे आएगा, इसको बंद करेंगे, खोलेंगे भी और बंद भी करेंगे। तो फिर धनिया आया खेत एक बार मशीन से, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है क्योंकि ऐसे निकालने में इसको बहुत टाइम लग जाएगा तो इतनी इजी हो जाएगा, देख सकते आप कितना अच्छे से धनिया बाहर आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये काम भी हमारा इजी से हो गया, थोड़ा ही रह गया है, छोड़ो बंद करो। क्योंकि भूसा निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है मशीन के लिए, इतना उतना नहीं होता है। ओह माय गॉड, हमारी हालत बहुत खराब हो गई है, आप देख सकते हो गाइस कितना बढ़िया से समय निकल रहा है, मतलब दन दन दाने आ रहे बाहर। आप जाओ यहाँ से टफर है प्लीज, हमारी हालत तो ऐसी हो गई है, हालत हो गई है खराब, बहुत ही ज्यादा डस्ट था यहाँ पे, आंखों में भी चले गया, पहले लगाते तो थे को स्पेक्स वगैरह तो लगाते थे आंखों में, तब नहीं जाता था दूर आंखों में ना। अब देख सकते मेरे पति की भी कैसी हालत हो चुकी है डस्ट से, इसमें डस्ट ही है, इसमें नहीं है यार, मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मेरे हस्बैंड बोल रहे कहीं इसमें धनिया तो नहीं है, बट इसमें कुछ नहीं है, आप देख सकते हो भूसा ही है, कोई भी धनिया वगैरह कुछ नहीं है, है ना नक्श, आपको दिखा इसमें धनिया नहीं है ना, हाँ तो ठीक है नहीं है, इसमें नहीं है धनिया नहीं है इसमें,
बिल्कुल कम सा है ये फिंगर लग रही है आगे, अब तो पसीने से हालत खराब हो चुकी है बुरी तरह। इसका क्या होता है इस डस्ट का, चाकड़ में डालते हैं ना इसको? हाँ डालते हैं इसको चाकड़ में भी, अगर मतलब कुछ ना मिले तो यहाँ रख दो उसको साइड में। धनिया नहीं है इसमें रो, मैंने देखा कहाँ है ये यारो, ये कहाँ इस, ये तो पिस के कर दिए खत्म, धनिया होगा भी तो वो पिस के खत्म हो गया। इधर आओ थोड़ा डस्ट इसको यहाँ पे लाओ, इसको यहाँ से निकालते इसको। हाँ बड़ा बड़ा वाला डस्ट ना निकाल देते इधर ही, वो नहीं है छाननी नहीं है गो, बड़ी वाली छाननी उसमें जो ये बड़ा बड़ा वाला डस्ट ना ये निकल जाएगा पूरा, है ना? क्यों नक्श? हाँ जो ये बड़े वाले डंडे नहीं है ये ना उसी में रह जाएंगे। चलो कोई नहीं ऊपर छानेंगे इसको, है ना? ऊपरी छान लेते हैं इसको। चलो नीचे देखना, अच्छा वाला धनिया है ना? हाँ ठीक ही है, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है। अच्छा धनिया है, देखो ये देखो। ठीक है चलो, ये काम भी हो गया। तो गाइज अभी मतलब मशीन से मैं वापिस आ गई हूँ, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये वो प्याज वाला खेत, ये वाला। यहाँ पे अभी हम दाल बीजेंगे क्योंकि अभी मौसम हो चला है दाल और मक्की बीजने का, तो फिर यहाँ पे हम अभी दाल बीजेंगे। मम्मी वहाँ पे काम कर रहे हैं और चाचू है साथ में, तो फिर चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे बीजेंगे हम दाल। आजकल मतलब हरियाली बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही सुंदर दिखता है चारों साइड हरा भरा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मशीन लगी हुई है हमारे, तो फिर दाल बीजेंगे। अभी मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसको, तो पहले थोड़ा बड़ा मोटा जो मोटा मोटा सा घास है उसको निकाल देंगे हम, उसके बाद हम लाइन में दाल बीजेंगे। एप्पल ट्री भी है यहाँ पे, जहाँ पे मतलब सुबह दिखाया था मैंने आपको, अभी शाम तो नहीं मतलब दोपहर हुई है अभी, तो फिर अभी हम दाल बीजेंगे। नहीं बस यार डने दाओ कोड़ी पर है हैं यूँ यार दसो तेरे के कौन है डरो ना नेक्स्ट टाइम इतना रो वाला चाचू पारो बीड़। तो गाइस जब मैं खेत में पहुंची तो मैंने देखा कि हल पेड़ों के बीच में अच्छे से नहीं लग पाया है, तो फिर अभी हमें यहाँ पे खुदाई करनी पड़ेगी और घास भी बहुत ज़्यादा है जिसे हमें छांटना पड़ेगा, तो फिर दाल बीजने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर देती हूँ, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।